पेशेंट को हमेशा सबसे पहले कंफर्टेबल पोजीशन में लेटाया जाता है या बिठाया जाएगा। कंफर्टेबल पोजीशन में लेटा के बैठा के पेशेंट को अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना है कि हेलो सर, मेरा नाम रोहन है, मैं एक ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट हूँ और आपका आज मैं सैंपल कलेक्शन करने आया हूँ या फिर मैं आपका कैनुला लगाने आया हूँ, तो आप प्लीज मेरे साथ कॉपरेट करिएगा, ठीक है, ताकि उसको भी पता लग जाए कौन आया, वरना आप जाके सीधा हाथ खींच के भी कैनुला लगाने लग जाओगे, सैंपल कलेक्शन लेने लग जाओगे, तो डरने लग जाएगा ना, पेशेंट तो घबराया हुआ है वैसे ही पहले से। तो जरूरी है कि पेशेंट को कंफर्टेबल किया जाए। पेशेंट के आसपास अगर कोई उसका रिलेटिव है, कोई अटेंडेंट है, तो उसको कर दो रूम से बाहर, ठीक है, आराम से उसको कर दो रूम से बाहर, क्योंकि अगर उसका कोई अटेंडेंट अगल बगल में रहेगा, सपोज करो कोई बच्चा है, उसकी मदर उसके साथ में है, तो मदर के सामने अगर आप बच्चे को प्रिक करोगे और एक बारी में सैंपल नहीं निकला, दूसरी बार प्रिक करोगे, तब क्या होगा, मदर वहां से मुंह बनाएगी, नहीं ऐसे मत करो डॉक्टर साहब, अरे किसी और को बुलाओ, ये अच्छे से नहीं कर रहा है, ऐसे भी होगा ना बहुत बार। तो ऐसे समय पे क्या होगा, आपके पास एक प्रेशर पड़ जाएगा आपके सर के ऊपर कि यार अब करना ही है, करना ही है, और उस करने ही करने के चक्कर में जितनी बार ट्राई करोगे हर बार गलत होगा। सबसे पहले जितने प्रेशर है उसको रूम से बाहर कर दो, ठीक है। और अगर पेशेंट कोई अपोजिट जेंडर का है तो अपने साथ उस जेंडर का एक स्टाफ साथ में खड़ा कर दो। अगर आप मेल हो और फीमेल पेशेंट को ऑपरेट कर रहे हो तो आप फीमेल स्टाफ, नर्स, वार्ड गर्ल, किसी को भी अपने बगल में खड़ा कर दो। सेम चीज फीमेल के लिए भी लागू होती है, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है यहाँ तक सबको। जैसे ही यहाँ पे लेकर आ गए हैं, आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे पड़ेगी आपको ग्लव्स की जरूरत, और भी सामान मैंने बताए थे, ठीक है। तो सबसे पहले आप एग्जामिनेशन ग्लव्स पहन लो अपने पास, ठीक है। एग्जामिनेशन ग्लव्स आपके कुछ इस तरीके से बॉक्सेस के अंदर आएंगे, और ये ना फ्री साइज ग्लव्स होते हैं, इनको आप पहन रहे हो अपनी प्रोटेक्शन के लिए, ताकि पेशेंट को जब आप हाथ लगा रहे हो तो आपका पेशेंट इन्फेक्टेड भी हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता, कोई अपने सर पे तो लिखवा के नहीं आ रहा, उसको HIV है, उसको कोविड है, हमें नहीं पता। तो ऐसे में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लव्स पहन लो। आपके पास हेड कैप मास्क है तो वो भी पहन लिया जाएगा इस समय, ठीक है। इसमें आपको कोई सर्जिकल ग्लव वाली टेक्निक इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक एग्जामिनेशन ग्लव्स है, स्टराइल नहीं है ग्लव, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके बेयर हैंड्स को बचाने के लिए है बच्चों, ठीक है। तो इसको सर्जिकल टेक्निक वाले तरीके से ना भी पहनो तो चल जाएगा, वरना आपको क्या करना होता है सर्जिकल वाले ग्लव्स को, तो सर्जिकल टेक्निक वाले तरीके से फॉलो करना होता है, और हमेशा आउटर पार्ट को ही ना छूकर, इनर पार्ट को ही छूकर ही आपको ग्लव्स वेयर करने होते हैं। ग्लव्स पहनने के बाद आप अपनी फिटिंग एडजस्टमेंट कर लो, ग्लव्स के पेयर आते हैं लूज ग्लव्स के अंदर, स्मॉल मीडियम लार्ज, उस तरीके से आपने फिटिंग एडजस्टमेंट कर लो अपनी इसकी, ठीक है। मैं भी इसकी फिटिंग एडजस्टमेंट कर लेता हूँ अपने हिसाब से। इसमें पाउडर फ्री और पाउडर वाले दोनों आते हैं, पाउडर वाले जो होते हैं ना तो वो आसानी से एडजस्ट हो जाते हैं, वो नॉन पाउडर वाले होते हैं ना वो ऐसे चिपकते हैं स्किन पे, ठीक है। तो अब मैंने सिरिंज ग्लव्स पहन लिए, ग्लव्स पहनने के बाद अब मुझे जहाँ पे सैंपल कलेक्शन करना है, आइडल साइड मैंने कौन सी बताई थी आपकी एल्बो का जो ये फोसा है, ये जो डीप स्ट्रक्चर बन रहा है इस जगह पर, यहाँ से सैंपल कलेक्ट करना होता है पेशेंट के। पर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक और है कि यहीं पर ही आपके टेंडेंट्स हैं और आपकी रेडियल बोन है और रेडियल आर्टरी भी जा रही है, अगर डीप स्ट्रक्चर में चले जाओगे तो आप अपनी निडल से ना चाहते हुए इन सभी हिस्सों को भी हर्ट कर सकते हो, और पेशेंट को आफ्टर सैंपल कलेक्शन वो आपको कंप्लेंट करेगा, मुझे पेन हो रहा है, मुझे स्वेलिंग हो रही है, ये वो फलाना ढिमकाना 10 बातें बोलेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ट्रोनिकेट बांधना है पेशेंट के हाथ पे। ट्रोनिकेट बांधने के लिए अगर आपके पास ट्रोनिकेट अवेलेबल है तो ट्रोनिकेट कहाँ रखा है, यस ट्रोनिकेट है हमारे पास, वेरी गुड। ट्रोनिकेट अप्लाई कर दो, कुछ इस तरीके का दिख नजर आएगा ट्रोनिकेट, एक सेकंड में फोन कर सकता हूं। ट्रोनिकेट अप्लाई कर दो अच्छे से, टाइट बांधना है ट्रोनिकेट, बहुत ज्यादा लूज नहीं बांधना है, ठीक है। जैसे ही आप ट्रोनिकेट अप्लाई करोगे पेशेंट को बोलो अपना अंगूठा अपने हाथ के अंदर इस तरीके से बंद करे और 2-3 बार चलाए हाथ को, बहुत ज्यादा टाइट नहीं रखना है पेशेंट को हाथ, ठीक है। तो और चलाओ
पेशेंट की वेन जितनी प्रोमिनेंट अच्छी नजर आ रही है, फील हो रही है, उतना अच्छा होगा सैंपल कलेक्शन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे काफी सारी वेन्स नजर आ रही हैं, आंखों से भी नजर आ रही है, पर अगर ये दिख भी नहीं होती, कोई मोटा पेशेंट होता तो मैं हाथ लगा के भी महसूस कर सकता हूँ, मैं हाथ लगा के फील कर पा रहा हूँ। यहाँ पे एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर बन जाता है, एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। मैंने हाथ लगाया, मुझे महसूस हो रहा है पाइप जैसा कुछ, हाथ लगाओ यहाँ पर महसूस हो रहा है कुछ पाइप जैसा, यहाँ कुछ महसूस हो रहा है पाइप जैसा, है ना। और डी ऑक्सीडेटेड होने के कारण वेन्स में डी ऑक्सीडेटेड ब्लड घूमता है, इसका कलर क्या है, ग्रीनिश और ब्लूइश नजर आता है। ठीक है, तो ग्रीनिश और ब्लूइश भी मुझे नजर आ रहा है, जिससे पता लग रहा है कि मैं वेन में ही सैंपल कलेक्शन करने वाला हूँ। तो ज्यादातर आपकी क्यूबिटल फोसा वाली जो है, ये वाली वेन को जो है टारगेट किया जाता है, मुझे अच्छे से महसूस भी हो रही है। जरूरत है इस एरिया को मैं क्या करूं, एक एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से इस हिस्से को मैं क्लीन कर दूं। मेरे पास एंटीसेप्टिक सोल्यूशन है, इससे मैं इसको अंदर से बाहर की तरफ क्लीन कर दूंगा, अंदर से बाहर की तरफ। ठीक है, मैंने अच्छे से क्लीन करने के बाद इसको मुझे क्या करना है, थोड़ी देर ड्राई होने देना है। ड्राई हो जाएगा, ड्राई होने का फायदा क्या है, अच्छे से नजर आ रहा है। जब मैं नीडल प्रिक करूंगा ना, तो ये तो आपकी स्किन में छेद हो जाएगा और वो केमिकल उसकी वेन के अंदर जाकर ब्लड में भी घुस सकता है, जो कि पेशेंट को रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा इसको ड्राई होना, तो ड्राई हो गया भाई हमारा, हमें पता लग रहा है कि हाँ जी ड्राई हो गया, वेन भी अच्छे से प्रोमिनेंटली फील हो रही है। पेशेंट के लिए अगर कोई हाथ पे रखने के लिए कोई जगह है तो वो यहाँ पे रखवा दो हाथ इसका। फिर इसके बाद मैं सिरिंज ले लूंगा, सिरिंज इस तरीके की स्टाइल पैकिंग में आपके पास आएगी। सिरिंज मैंने खोल ली है, मेरे पास आइडल सिरिंज है, इस वक्त 3 ml की सिरिंज है, इसके आगे 22 और 24 गेज का आपका निडल लगा हुआ है, जिसका कलर जो रहता है ना यहाँ पे पर्पल होगा वैसे तो, ठीक है, पर्पल कलर की होती है यहाँ पर। और इस सिरिंज को अगर मैं गौर से देखूं तो आगे की तरफ ना यहाँ पर एक मर्फी आई है, जो कि हिस्सा हमेशा ऊपर रहना चाहिए, यही प्रिक करेगा। सिरिंज को जैसी मैंने उसके कैप से बाहर कराना, कैप से बाहर करने से पहले एक बार सिरिंज का एयर जो है बाहर निकाल दो, कैप को बाहर निकाले बिना। अगर आपको कैप को कैप बाहर निकाल के फिर ऐसे एयर सक करके फिर बाहर निकालते हो तो आप इन्वायरमेंट की एयर ले रहे हो, सिरिंज की निडल को खराब कर दो, वो हो गया आपका सिरिंज का नुकसान, फिर वो हो गया आपके डिसइंफेक्ट। आपको तो चाहिए बिल्कुल स्ट्राइल सिरिंज, है ना, है कि नहीं। तो निडल सिरिंज को मैंने क्या करा, ऐसे ही बाहर करा, एक टेस्ट किया कि हाँ फुली फिटेड है भैया, ठीक है सब कुछ, और निडल का ऊपर वाला हिस्सा सबसे ऊपर है। पेशेंट का जहाँ मुझे सैंपल लेना था वो हिस्सा मैंने महसूस किया, वेन सीधी आ रही है मेरी, वेन सीधे, तो मेरा सिरिंज का हिस्सा भी सीधा रहना चाहिए। हाथों को इस तरीके से पकड़ सकते हो, ये मेरी टेक्निक है, कुछ लोग ऐसे पकड़ते हैं, ठीक है, अपनी अपनी इसमें थोड़ी बहुत टेक्निक लोग बाग मॉडिफाई करते रहते हैं, अपनी अपनी टेक्निक। मेरी टेक्निक ये वाली है कि मैं इसमें डोंगली नीचे एक अंगूठा ऊपर, और इस तरीके से स्किन को ना हमेशा अगर आप ऐसे रखोगे तो आपकी स्किन को जैसी पंचर करोगे वो और फोल्ड होती चली जाएगी। स्किन को करो स्ट्रेच रखोगे आसानी से प्रिक होगी तो आपका सैंपल भी आसानी से निकल जाएगा। सैंपल निकालने के लिए आपको जैसे ही आप सिरिंज अपनी निडल में डालोगे, उसमें वेन में डालोगे, यहाँ पे आपको ब्लड नजर आ जाएगा, सिरिंज के अंदर ब्लड आना शुरू हो जाएगा। देखो भाई नजर आ रहा है सबको ब्लड, यहाँ पर सबको ब्लड नजर आ रहा है, जितना सैंपल चाहिए उतना निकाल लो। अब मेरी मुझे पता है कि मेरी जो है वेन के अंदर जा चुका है निडल, और वेन के अंदर ही है, दर्द तो नहीं हो रहा कोई, ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको और सैंपल निकाल लेता हूँ यहाँ पर इस तरीके से। अगर ये वेन में ना होती तो ये पीछे पिस्टन खिंचता ही नहीं, सिरिंज का पिस्टन पीछे की तरफ खींचेगा ही नहीं आपका, वो ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि वो एयर खींचेगा और एयर का नेगेटिव प्रेशर रहता है बॉडी के अंदर, वो वापस आपके पिस्टन को अंदर की तरफ फेंकेगा। तो वेन में जाती वहां तो फ्लो पॉजिटिवली चल रहा है ना, लगातार आगे की तरफ भाग रहा है, तो यहाँ पे वो डायरेक्टली जैसे प्रिक हुआ तो आपके भी इस पाइप में घुस गया, यानी सिरिंज के बैरियर में एंटर कर गया। तो यहाँ पे आसानी से मुझे नजर आ रहा है, देखो भी नजर आ रहा है सबको, ज्यादा ब्लड नहीं निकालेंगे। अब मुझे कॉटन चाहिए होगी अपने साथियों से, ठीक है ये मैंने कॉटन ली है। मेरे हाथ की टेक्निक देखी आप लोगों ने, क्या करा मैंने, मैंने यहाँ से रखा था हाथ अपना, और इस तरीके से दूसरे हाथ का भी इस्तेमाल किया है, अंगूठे का इस्तेमाल करते वक्त, और ये इस तरीके से बाहर निकाल लिया। एक कॉटन अपने साथी से ली, अगर अकेला भी होगा तब भी उठा सकता हूँ मैं, ठीक है, या फिर अपने दूसरे हाथ में यहाँ पे रख सकता हूँ और इस तरीके से यहाँ से भी ले सकता हूँ, ठीक है। अब इस कॉटन को मैं क्या करूंगा, जहां से मैंने निकाला है सैंपल वहां पे रखूंगा, और बहुत ही लाइट हैंड से इसको बाहर करूंगा। हमेशा थोड़ा सा ब्लड आपकी स्टिप पे नजर आएगा,
क्या करूँ उसको नीचे झाड़ दूँ? नहीं, इसको कॉटन पे ही यहाँ पे ऐसे लगा दिया जाएगा। पेशेंट के जहाँ सैंपल कलेक्शन करा उस हिस्से को दबा के रखो। माइक्रोपोर है तो माइक्रोपोर लगा दो, निकालो भाई माइक्रोपोर। आप इसको दबा के देखो बेटा, ठीक है, माइक्रोपोर निकालो और यहाँ लगा दो। अब बाकी बच्चे यहाँ ध्यान देंगे। अब मैंने ये सैंपल कलेक्शन निकाल लिया, सैंपल इसके अंदर है, ब्लड इसके अंदर है, ये सिरिंज। सर हमें ये कैसे पता चलेगा सर सैंपल के लिए हमें कितना ब्लड चाहिए? कम से कम 2 ml और आपको बता के भेजा जाएगा। कम से कम 2 ml चाहिए होता है कोई भी टेस्ट करने के लिए, ठीक है, कोई भी नॉर्मल टेस्ट करने के लिए, CBC करने के लिए, HB की जांच करने के लिए आपको 2 ml तो चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ सैंपल अभी खाली सिर्फ 1 ml के आसपास निकाला, 1 ml भी पूरा नहीं निकाला है कि मेरे को तो अभी मेरा पेशेंट नहीं है ना कोई, मैं क्यों निकालू ज्यादा पेशेंट का ब्लड, अभी हमारा तो स्टूडेंट है कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, सैंपल दिखाने के लिए निकाला है। अब ये निडल निकाल लिया। अक्सर इस टाइम पर ना बहुत से लोग गलतियां करते हैं, निडल स्टिक इंजरी करा लेते हैं अपने आप। अब यहाँ पे निडल को रीकैप करने की बारी होती है, तो हमेशा ध्यान दो, निडल को हमेशा एक फ्लोर पे रखो। निडल के कैप को एक फ्लोर पे रखा, जैसे कोई टेबल है उस पर रख दिया, आप इसको इसी के साथ उठाओ, इसी के साथ उठाओ इस तरीके से। अगर आप इसको ऐसे ना उठाकर ऐसे उठाते हो और ऐसे डाल रहे हो और ध्यान इधर उधर है, तो ये क्रॉस कर जाएगा आपकी उंगली में और यहाँ क्या हो जाएगा, NSI, निडल स्टिक इंजरी। पेशेंट को HIV था तो फिर हैप्पी बर्थडे हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बहुत ही ध्यान से हमेशा रिकैप करना है, नीचे रख के टाइटली क्लोज कर दी, क्लोज कर दिया और लेबल कर देंगे इसको। अगर आप सिरिंज में लेके जा रहे हैं, अगर आप EDTA वाइल में लेके जा रहे हैं तो भी उसको लेबल किया जाएगा पेशेंट के नाम, एज, सेक्स के साथ, ठीक है, और सीधा लैब में भेज देंगे। डॉक्टर का फॉर्म भरवा कर कि इसमें क्या जांच करवानी है, फाइंडिंग्स क्या करवानी है। समझ में आ गया यहाँ पे सबको? सैंपल कलेक्शन पता लगा? इतना आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल तो नहीं था। एक सिंपल तरीका और समझाता हूँ मैं अभी।